सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने YouTube चैनल सेफ्ट इंडिया में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम फ्रैंक्सबर्ट एक्सीडेंट थ्योरी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने वो कौन सा 5 पॉइंट दिया था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हेल्थ एंड सेफ्टी फील्ड में काम करने वाले किसी भी पर्सन के लिए। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करेंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज़ अ डोमिनो थ्योरी, डोमिनो थ्योरी क्या है, जिसे हम फ्रैंक वर्ड्स डोमिनो थ्योरी भी कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है डिस्क्राइब फ्रैंक्स वर्ड्स डोमिनो थ्योरी 5 पॉइंट, जो उसके 5 पॉइंट है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे और समझेंगे। और अंतिम क्वेश्चन है फ्रैंक्स वर्ड डोमिनो एक्सीडेंट ट्रायंगल, उसके बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ अ डोमिनो थ्योरी, डोमिनो थ्योरी क्या है। तो ये थ्योरी बेसिकली विलियम हर्बर्ट हेनरिच का जो एक्सीडेंट के रूप में जो उनका थ्योरी आया था, हेनरिच थ्योरी, उसी के आगे ये इन्होंने फ्रैंक्सबर्ट ने आगे इन्वेस्टिगेट किया है और तब ये जाके उन्होंने रूल्स दिए हैं। एक्चुअली उनका था कि 88% अनसेफ एक्ट, 10% अनसेफ कंडीशन और 2% जो नेचुरल डिजास्टर की वजह से एक्सीडेंट होते थे, ये हेनरिच ने बताया था। लेकिन ये एक्सीडेंट क्यों होते हैं, इसके क्या कॉजेज़ हैं, ये हमें फ्रैंक्सबर्ट की थ्योरी के माध्यम से इसका आंसर मिल जाता है आसानी से। तो अब हम समझते हैं कि फ्रैंक्सबर्ट ने वो 5 पॉइंट कौन कौन से दिए थे। तो इनका जो सबसे पहले जो इनका थ्योरी का वो पॉइंट है वो है सोशल एनवायरनमेंट, यानी हम जहाँ काम करते हैं, जिस वर्क प्लेस में काम करते हैं या किसी भी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सेफ्टी कल्चर में और एज ए वर्क कल्चर वहाँ प्रॉपर फुलफिल है कि नहीं। सेकंड जो उन्होंने दिया है पॉइंट, फॉल्ट ऑफ द पर्सन, यानी कोई भी एक्सीडेंट होती है वो किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा होती है। और सोशल एनवायरनमेंट कहने का मतलब है कि हम जब काम करते हैं, जैसे हमारे घर बनता है, तो अगर गांव में हम घर बनवाते हैं तो अगर ऊपर किसी को ईंट चाहिए होती है तो वो क्या करता है, नीचे से सीधे उसके हाथ में फेंकता है। तो ये गलत है, वहाँ की जो सोशल एनवायरनमेंट है वो गलत है, वहाँ सेफ्टी कल्चर लेना चाहिए, प्रॉपर तरीके से बकेट में रख के ईंट को ऊपर भेजना चाहिए। और ये गलती कौन कर रहा है, फॉल्ट ऑफ द पर्सन, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा ही ये गलती हो रही है। और वो गलती जब हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अनसेफ एक्ट्स और अनसेफ कंडीशन। तो देखिए, ये जो 5 पॉइंट है ये एक दूसरे से सिमिलर हैं और एक दूसरे पर डिपेंड है। सबसे अच्छी बात है, मैं इसको समझाने के बाद आपको लास्ट में बताऊंगा, वीडियो बिना स्किप किए आप देखिएगा तभी समझ पाइएगा। अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन है वो किसी न व्यक्ति के द्वारा होगा, और अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन होगा तो क्या होगा, तो एक्सीडेंट होगी, और जब एक्सीडेंट होगी तब जाके इंजूरी होगी। यानी ये 5 पॉइंट एक पर ही डिपेंड है, आप किसी 5 पॉइंट को एक हटा दोगे तो ये जो चैन है वो ब्रेक हो जाएगी और ये एक्सीडेंट नहीं होगी, इंजूरी नहीं होगी। जैसे आप यहाँ आप देख रहे हैं फिगर में एक जो अनसेफ एक्ट का है, यानी फॉल्ट ऑफ पर्सन या एनवायरनमेंट, और इधर एक्सीडेंट और इंजूरी को रख के अगर हम अनसेफ एक्ट को हटा देते हैं, तो यदि बुक जैसे कोई गलती होती है, जैसे मान लीजिए सोशल एनवायरनमेंट गलत है, फॉल्ट ऑफ पर्सन मतलब एक व्यक्ति के द्वारा गलती किया जा रहा है, लेकिन यदि हम किसी एक कड़ी को यदि ब्रेक करते हैं तो वो आगे नेक्स्ट स्टेप वाली जो गलती है वो नहीं होगी। यानी अगर अनसेफ एक्ट को हटाते हैं तो एक्सीडेंट नहीं होगी, और जब एक्सीडेंट नहीं होगी तो इंजरी नहीं होगी। तो ये है डोमिनोज थ्योरी का सबसे गंभीर पार्ट, जिसे समझना सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फ्रैंक्सबर्ट ने 641 लोगों पर एक जैसे कोई भी इंजरी होती है या एक्सीडेंट होती है तो उन्होंने जो अपना नियम दिया है, जैसे हेनरिच ने दिया था 330 लोगों पर, तो यहाँ फ्रैंक्सबर्ट ने 641 लोगों पर दिया है। उनके कहने के अनुसार है कि 600 लोग जब नियर मिस इंसिडेंट होती है जिसमें कुछ भी नुकसान नहीं होता है, ऐसे 600 होता है 641 में से, और जो 30 होता है उसमें प्रॉपर्टी डैमेज एक्सीडेंट होते हैं, यानी सिर्फ प्रॉपर्टी की नुकसान होती है, किसी पर्संस का नुकसान नहीं होता है, किसी को चोट नहीं लगती है, सिर्फ प्रॉपर्टी डैमेज होती है। उसमें से जो 10 इंजरी होते हैं वो माइनर इंजरी होते हैं, यानी जो हम फर्स्ट एड इंजरी देखते हैं इस टाइप का इंजरी होता है 10, और ये किस में से, तो 641 जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें से 10 माइनर इंजरी होती है।
और जो अंत में होता है सीरियस और डिसेबिलिटी इंजरी, यानी ये 641वां जो 41वां में से एक जो होता है वो मेजर इंजरी होती है जिसमें चोट भी होती है और आदमी मर भी जाता है। तो आई होप आपने काफ़ी अच्छे से समझा होगा। थैंक यू।